मेरी मैसेज के हिसाब से नहीं गया होगा, जो भी चीजें होंगी चलिए ठीक है फिलहाल अवॉइड करिए। अब से हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर वन बाय वन लेक्चर क्या करते हैं, ठीक है चलिए। हाँ कोई कन्फ्यूजन किसी को होता है तो मुझे जरूर बताएं यहाँ पे, ठीक है। देवशीष वीडियो ऑफ करो, तो कोई किसी भी टाइप कोई कन्फ्यूजन होता है तो मुझे जरूर बताएं यहाँ पे ना, कोई भी। चलिए आज का जो टॉपिक, इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था टोपोलॉजी पे डिस्कस किया था, किस पे डिस्कस किया था टोपोलॉजी पे, ध्यान से सुनना ठीक है। हमारा जो डिस्कशन हुआ था टोपोलॉजी पे हुआ था ठीक, और लास्ट में हमने जो टोपोलॉजी पढ़ी हुई थी वो था आपका ट्री टोपोलॉजी। क्या था? ट्री टोपोलॉजी। तो जो लास्ट टोपोलॉजी हमने पढ़ी हुई थी उसका नाम क्या था? ट्री टोपोलॉजी, ध्यान देना ठीक है। ये आपने देखा हुआ था, वीडियो भी अपलोड थी ठीक है। अगर हाँ किसी ने अगर अपने वहां पे अगर किसी क्लास वगैरह छूटी हो तो आप क्या कर सकते हैं वहां पे जाकर के देख सकते हैं। चलिए हाँ, अब इसके अलावा कोई डाउट होता है, मैं बार बार बोला हूँ कोई डाउट किसी टाइप का होता है तो आपको एक नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है ठीक है, इस पर आप क्या करें मैसेज कर दीजिएगा। हो सकता है आई थिंक एक दो क्लास एक दो दिन पीछे अगर किसी ने मैसेज किया होगा तो मैंने वीडियो सेंड नहीं किया होगा, रिप्लाई में भी नहीं दे पाया था ठीक है। लेकिन अब से प्रॉपर आपका कम्युनिकेशन होगा इसी नंबर पर होगा, जिस भी टाइप का कम्युनिकेशन होगा, चाहे क्लास छुट्टी हो चाहे आपका नई ज्वाइनिंग जो भी हो, जिस भी टाइप की आपकी बातें होंगी आप मुझे मैसेज में आगे बोल देना ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज कर देना आप यहाँ पे। चलिए आज का जो टॉपिक है वो है हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्या है? हाइब्रिड टोपोलॉजी, ध्यान से सुनना। दरअसल बहुत ही सिंपल सी टोपोलॉजी है और बस आपको एक चीज जानना है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी होती क्या है, हाइब्रिड की मीनिंग क्या होती है, ये जानना आपको यहाँ पे। बाकी तो जो मेन टोपोलॉजी थी आप पढ़ चुके हैं, ये बहुत एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है, आपको बस इसके कॉन्सेप्ट को जानना है, व्हाट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो आप लोग खुद ही मुझे बता दो यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड, टेल मी, बताइए मीनिंग ऑफ हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड की मीनिंग क्या होती है। हाइब्रिड वर्ड सुनते होंगे ना, बहुत ही सुनते होंगे आप लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ, यस 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 अमर, ऑल टोपोलॉजी ना बोल करके आप यार दो से ज्यादा टोपोलॉजी बोलते हो ना, ऑल टोपोलॉजी मतलब यार सब कुछ तो आपका मतलब जरूरी हो जाएगा ना फिर, ऑल टोपोलॉजी का मतलब यहाँ पे। गुड मॉर्निंग ठीक है, मिक्स्ड, यस यस आशीष सही, वेरी गुड। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि बिगर एज कम्पेयर टू ओरिजिनल, हाँ उत्कर्ष यू कैन से, बट यहाँ पे यार वो बोलो ना ज्यादा बेटर होगा, क्या आप बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर, दो से दो या दो से अधिक चीजों अगर मिला देते हैं तो हाइब्रिड बन जाता है, क्या बन जाता है, हाइब्रिड बन जाता है। तो ऑलमोस्ट यार जो एक कोई चीज है उससे क्या होता है बेटर होता है, आई थिंक यू, हाँ आप लोग सही बोल रहे हो जो भी चीजें हैं। तो हाइब्रिड का मतलब यहाँ पे होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर ठीक है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यस यस रेनु, कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर बेसिक टोपोलॉजी। और बेसिक टोपोलॉजीज कौन होती हैं? सच एज फर्स्ट टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। अब कुछ लोग अगर नए होंगे तैयार में प्रॉब्लम होगी, आप वीडियो जाके देखो, मैं तो बात करूंगा। पीहू आपकी वॉइस नहीं आ रही, क्यों मेरी वॉइस नहीं जा रही क्या आप तक, मेरी वॉइस नहीं जा रही अब तक, आ रही होगी पीहू यार, आप देखो अपना माइक वगैरह सही करो ठीक है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, सभी के पास माई वॉइस जा रही है, ओके आरिफ। चलिए तो क्या होता है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर बेसिक टोपोलॉजी, सच एज बस टोपोलॉजी हो, चाहे स्टार टोपोलॉजी हो, चाहे रिंग टोपोलॉजी हो, चाहे मेश टोपोलॉजी हो। यार एक काम करो यहाँ पे, अगर आप सारी टोपोलॉजीज को या दो से दो अधिक टोपोलॉजीज को आपस में मिला देते हो, या इस तरीके से कंप्यूटर को आपस में आप कनेक्ट करते हो कि आप वहां पे आपको दिख रहा है यार एक टोपोलॉजी नहीं है बल्कि कई सारे टोपोलॉजीज का मिक्सचर है, तो उस केस में क्या होगा, वो टोपोलॉजी कौन सी होगी, हाइब्रिड टोपोलॉजी होगी। कौन सी होगी? हाइब्रिड टोपोलॉजी होगी। चलो यहाँ पे ध्यान देखना, अब देखो
जैसे मैंने याद होगा ट्री टोपोलॉजी में मैं आपसे ये पढ़ाया हुआ था कि ये जो टोपोलॉजी है फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने बस को और स्टार को मिला दिया तो बन गई ट्री टोपोलॉजी, आपने बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को मिला दिया तो बन गई ट्री टोपोलॉजी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये है कि अगर आपने किसी भी टोपोलॉजी को मिला दिया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिंग टोपोलॉजी थी, चलिए ये है रिंग टोपोलॉजी, मतलब कंप्यूटर कुछ ऐसे कनेक्टेड है आपस में, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा छठे से, अगर ऐसा कोई कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होता है तो हम बोलते हैं कौन सी टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है। फिर मैंने कहा मेरे पास एक स्टार टोपोलॉजी थी, स्टार कैसा होता है, एक कनेक्टर से अगर बहुत सारे कंप्यूटर आपके आपस में क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं उसे हम बोलते हैं क्या है, ये स्टार टोपोलॉजी है। ये तो हो गई रिंग टोपोलॉजी और ये क्या होगी आपकी स्टार टोपोलॉजी। और फिर मैंने कहा मेरे पास यहाँ पे एक बस टोपोलॉजी भी थी छोटी सी, ये कौन सी टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है। आपको बताया जा चुका है बार बार कि अगर एक ही वायर से कई सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो क्या होती है आपकी बस टोपोलॉजी। अगर मैं इन टोपोलॉजीज को एक वायर लगा के बस ही बोल सकते हो कनेक्ट कर दूं कुछ ऐसे तरीके से यहाँ पे, तो ये जो टोपोलॉजी बन जाएगी, अब ये जो टोपोलॉजी बन जाएगी दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर्स हैं कुछ कंप्यूटर रिंग को फॉलो कर रहे हैं, कुछ कंप्यूटर स्टार को फॉलो कर रहे हैं, कुछ कंप्यूटर बस को फॉलो कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो ये टोपोलॉजी का हम कोई नाम दे ही नहीं सकते, इसका नाम ने क्या दे दिया, हाइब्रिड टोपोलॉजी, नाम क्या दे दिया, हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्या हुआ स्क्रीन शो नहीं हो रही है, दिलशाद नूरवशी स्क्रीन, अच्छा मैं फिर से शेयर करा दे रहा हूँ, डोंट वरी, बट यार स्क्रीन तो शेयर होनी चाहिए आपकी, अब सही है स्क्रीन दिख रही है, दिलशाद किसका मैसेज था, उर्वशी, ओके। तो बताओ हाइब्रिड टोपोलॉजी आपको समझ में आ गया कि नहीं, हाइब्रिड टोपोलॉजी आपको समझ में आ गया कि नहीं, इसको बस इसलिए याद रखना जैसे मैंने आपको ये बताया, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने एक एग्जांपल दिया हाइब्रिड, दोनों का आंसर बताना, हाइब्रिड टोपोलॉजी इज, पहला आंसर ये इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्या है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए हैं वो ऐसा कुछ दिया है, पहला दिया है बस एंड स्टार, दूसरा दिया है स्टार एंड रिंग, और तीसरा दिया है मेस एंड स्टार, और चौथा दिया है उर्वशी, फिर नहीं शो कर रहा है, नो आई थिंक तो करना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, खुशी, गुड, वेरी गुड। हाँ इस तरीके अगर आपके पास ऑप्शन आते हैं, फर्स्ट आंसर क्या बोल रहे हो, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, हाँ क्वेश्चन ही है उर्वशी, अच्छा मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यार क्या प्रॉब्लम आपके यहाँ आ रही है, बाकी सबका तो सही है, क्लियर है, फोरो के सचिन गुड आयुष चाहिए, क्वेश्चन ही है उर्वशी, हाइब्रिड टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, हाइब्रिड टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है स्टार एंड रिंग, तीसरा ऑप्शन है मिस एंड स्टार, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, इसमें से क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब सभी को पता है किसी दो या दो से अधिक को कंबाइन करोगे तो 100% वो कौन सी टोपोलॉजी होगी, हाइब्रिड टोपोलॉजी होगी। उर्वशी क्लियर हुआ कि नहीं,
यस देवशीष सही है। ठीक है चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन और देखिए, स्क्रीन शॉट लेना हो तो मुझे बता देना ठीक है, जिसको भी स्क्रीन शॉट लेना हो मुझे बता देना मैं भी दिखा दूंगा। ओके चलिए अब यार एक काम यहाँ पे करना है, क्वेश्चन और है ना, एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ट्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, जी जी बिल्कुल हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है आरिफ, क्योंकि दो या दो से अधिक कॉम्बिनेशन मैंने पूछा ना, पहला ऑप्शन है जिसका वीडियो ऑफ है आने, वीडियो अपना देखा करो ध्यान से, मुझे ऑफ करना पड़ता है टाइम टेकन हो जाता है ठीक है, ट्राई किया करो ऑफ रही वीडियो आप सबकी। पहला ऑप्शन है यार मिस एंड रिंग, दूसरा ऑप्शन है स्टार एंड बस, तीसरा ऑप्शन है रेनु, वेरी गुड, स्टार एंड रिंग, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, बताइए आप लोग। ट्री टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ट्री टोपोलॉजी किन किन टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, वेरी गुड सृष्टि, गुड वेरी गुड, बताइए सभी लोग बताइए। जिन लोगों ने लास्ट क्लास करी होगी उन्हें पता होगा यहाँ पे कि जो ट्री टोपोलॉजी होती है वो सिर्फ और सिर्फ दो टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होती है, वो फिक्स होता है स्टार और बस। मेरी वॉइस जा रही है अब तक, क्या हो गया, ऑडिबल ओके चलिए ठीक है, पर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अब तो दिख रहा है ना, स्क्रीन तो अब दिख रही है ना, नेटवर्क इशू होता रहता है। आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ट्री टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो मैंने आप पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे मिस एंड रिंग टोपोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है स्टार एंड बस टोपोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इसमें से सही कौन होगा आप लोग बताइए, सही कौन होगा, टू ऑप्शन भाई, वो वेरी गुड सही है, सृष्टि सही है, आशीष यस यस खुशी सही है, गुड चलिए, मतलब स्क्रीन दिख रही है आपको, मेरी वॉइस भी जा रही है ओके। गैलेक्सी यार नाम अपना रखा करो, क्या गैलेक्सी J5 इसका नाम है, नेम से लॉगिन हुआ करो ना, हमें कम्युनिकेशन करने में आसानी है। चलिए तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी यहाँ तक क्या चीजें हैं, ठीक है अब एक बार सभी लोग सुन लो, एक इंस्ट्रक्शन आपके सामने है यहाँ पे कि मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जो सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम है नेटवर्क बेसिक्स, ध्यान देना सभी लोग, जो लोग कोई डाउट हो यहाँ पे किसकी क्लास चल रही है, नेटवर्क बेसिक्स, नेटवर्क बेसिक्स में हम ये पढ़ाएंगे कि नेटवर्क होता क्या है, जो आप लोग इंटरनेट चलाते हो कैसे बातें करते हो, कम्युनिकेशन कैसे होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, बहुत सारे काम ऑनलाइन करते हो, वो सारे के सारे ऑनलाइन काम, चाहे रिजर्वेशन करना हो, यहाँ तक कि जैसे मैं बात करूँ पहले, सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे चीजें देखेंगे ऑनलाइन से रिलेटेड यहाँ पे ना, ठीक है तो अब चाहे आप बात यहाँ पे अगर नेटवर्क क्या होता है, मतलब अपने नाम भी सुना होगा यार, नेटवर्क नहीं होगा तो बातें नहीं होंगी, कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है मैसेज नहीं सेंड कर पाएंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कोई भी मैसेज नहीं कर पाएंगे, नेटवर्क नहीं होगा तो हमारे पास यहाँ पे, तो नेटवर्क क्या होता है यही इसी का हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा सारे एडवांस टॉपिक्स जो आजकल यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चाहे मैं बात करूँ यहाँ पे कि आप नेट को, आपको नेट कैसे चलाना, नेट चलता कैसे है, ब्राउजर्स वगैरह क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होते हैं, गूगल क्या होता है, कैसे डेटा सर्च होता है, डेटा आता कहाँ से है,
क्या क्या चीजें होती हैं डेटा को लाने के लिए, वेबसाइट क्या होती है, आपकी जो वेबसाइट होती है वो कैसे कहीं पे होस्ट होती है, आप वेबसाइट डिजाइन कैसे करते हो, तो अलग सब्जेक्ट में है, बट डिजाइन करने के बाद होस्टिंग कैसे करते हो, गूगल पे अपलोड कैसे करते हो, ठीक है, कैसे दूसरे तक पहुंचाते हो, उसके अलावा कितने टाइप के कनेक्शंस होते हैं, वाईफाई या वायरलेस वायर्ड क्या कनेक्शंस होते हैं, अगर आपको इंटरनेट चलाना हो तो कौन कौन से कनेक्शन लेने पड़ेंगे, ईमेल क्या होता है, ठीक है, डिटेल में पूरा ईमेल क्या होता है, ईमेल कैसे किया जाता है, आईडी कैसे बनती है, उसके अंदर जो टर्म सीसी बीसीसी वगैरह क्या क्या वो सब क्या होते हैं, क्या यूज होता है, उसके अलावा सोशल साइट जैसे आप फेसबुक इंस्टा सब चलाते हो, ट्विटर, यहाँ तक कि ब्लॉग क्या होते हैं, लिंक्डइन क्या होता है प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए, या आप जो आपके पास ई गवर्नेंस सर्विसेस है, ई कॉमर्स क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं, क्या होती है चीजें, पूरा का पूरा, यहाँ तक कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स भी पढ़ने हैं कि पैसे ट्रांसफर करना तो कैसे करोगे, आरटीजीएस एनईएफटी वगैरह क्या होती है ना, या फिर आपका क्यूआर कोड वगैरह, मतलब सारी चीजें ओटीपी वगैरह के बारे में, या फिर आईएमपीएस मतलब मनी ट्रांसफर करना, ई वॉलेट वगैरह से लेकर के आपका, चाहे यहाँ पे बात करूँ जैसे आपके पास पेटीएम वगैरह है, या फिर यहाँ तक कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितने भी तरीके से आप करते हो, ठीक है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के बारे में सारी चीजें यहाँ पे, ठीक। रेनू ये जो ये क्या है, ये आपका जो एक न्यू बैच है, ठीक है, ये एक आपका न्यू बैच है रेनू, ठीक है, तो जो न्यू बैच है वो आप मुझसे बाद में बात करना, ठीक है, आप मुझसे अलग से बात करना कि आपका क्या कोर्स है, क्या आप चाहते हो, ये तो फिलहाल अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है ना, तो मुझसे अलग से डिस्कस कर लेना अपने टॉपिक पे क्या है आपका, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस, यहाँ तक कि न्यू टेक्नोलॉजीज क्या क्या आजकल आ रही है, चीजें ऑटोमेटिक हो रही है, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस मुझे करनी है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको जो बातें कर रहा हूँ वो नेटवर्क की कर रहा हूँ ना, नेटवर्क क्या होता है उसमें मैंने बताया था, अगर कई सारे कंप्यूटर को अगर आपस में आप करते हो कनेक्ट तो बन जाता है एक नेटवर्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क, ठीक है। अब मैंने आपसे ये बताया था सबसे पहले कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, वो बस पढ़ा रहा था, किसके थ्रू, टोपोलॉजी के थ्रू, स्टार के फॉर्म में कर दो स्टार टोपोलॉजी, रिंग के फॉर्म में कर दो रिंग टोपोलॉजी, बस के फॉर्म में कर दो बस टोपोलॉजी, ठीक है, तो ये सब आप पढ़ चुके हो। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि जो नेटवर्क बनाते हैं उनका जो कनेक्शन होता है वो किसके थ्रू करते हैं ना, जो डेटा जाता है वो कैसे जाता है, किस चीज के थ्रू डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया, क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया यहाँ पे, ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडिया यहाँ पे क्या होता है उसी पे हम डिस्कस यहाँ पे करने जा रहे हैं ना। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो आपका है वो है ट्रांसमिशन मीडिया, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, तो किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी, अगर आपकी क्लास मिस भी हुई होगी तो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं सारी चीजों को, ठीक है, तो देखिएगा ट्रांसमिशन मीडिया, वॉइस प्रॉब्लम है क्या, एक मिनट यार रुक जाओ, मैं कोई दूसरा माइक यूज कर लेता हूँ, एक मिनट वेट करना। वॉइस मेरी क्लियर है कि नहीं बताओ, वॉइस क्लियर है, अब वॉइस क्लियर है या नहीं, क्लियर नहीं है पूनम, ओके, मतलब अच्छा अभी क्लियर नहीं है, कुछ लोग कह रहे हो क्लियर है, कुछ लोग कह रहे हो ब्रेक हो रही है, पहले सही थी, चलो पहले का ही माइक यूज कर लेता हूँ, अब सही है, अब सही है मेरी वॉइस,
ओके चलिए फिर देखिएगा, तो हेडिंग डालिएगा यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया, ओके देखिएगा ध्यान से यहाँ पे ये ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है इस चीज को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। मीडिया का मतलब क्या होता है, मीडिया का मतलब यहाँ पे क्या होता है सभी को पता है, अगर हिंदी की बात करूँ तो माध्यम होता है, क्या होता है माध्यम ना ही, मीडिया क्या होता है माध्यम, माध्यम का मतलब होता है सिंपल सी बात, एक सोर्स ना जिसके थ्रू हम कोई चीज कहीं भी भेज सकें, मतलब मीडिया मतलब क्या होता है, अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को, अगर हमारे पास कोई एक इंफॉर्मेशन है, कोई भी चीज है यार, इंफॉर्मेशन नहीं कोई भी चीज हो, अगर उसको हमें दूसरी जगह पर क्या करना भेजना है, तो जिस सोर्स के थ्रू जाएगा, जिसके थ्रू जाएगा वही उसका क्या होगा मीडिया होगा, क्या होगा मीडिया होगा, ध्यान सुनना, तो जिसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन डेटा कोई भी चीज एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएगी वो क्या हो जाएगा आपका मीडिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीडिया हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे बोला यहाँ पे, मैंने आपसे कहा कि हम क्या करते हैं, हमें क्या करना जाना है, मान लेते हम यहाँ कहाँ पे हैं इलाहाबाद में, हमें जाना है दिल्ली, हमें क्या जाना है दिल्ली जाना है, तो अब आप खुद ही बताओ यहाँ पे मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, मैं बाई ट्रेन अगर जा रहा हूँ तो ट्रेन क्या हो गया मीडिया हो गया, जो मुझे लेके जा रहा है कहाँ से इलाहाबाद से लेके दिल्ली के बीच का मेरा मीडिया कौन हो गया यहाँ पे ट्रेन हो गया। तो वैसे मीडिया आप सभी जानते हो यहाँ पे, मीडिया तो आजकल वैसे भी आपको न्यूज जो आती है क्योंकि उनके थ्रू हम तक पहुंचती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं मीडिया बोलते हैं। कोई भी न्यूज कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रही है, पहुंचाई जा रही है, तो जिनके थ्रू पहुंचाई जा रही है जो उसका सोर्स होगा उसे हम लोग क्या किस नाम से जानेंगे मीडिया के नाम से जानेंगे। आई होप चीजें आपको क्लियर होंगी। ट्रांसमिशन मीडिया बात वही हुई, ट्रांसमिट करने के लिए जो मीडिया यूज हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिट करने का मतलब है, अब बताइए एक कंप्यूटर है यहाँ पे, एक कंप्यूटर है यहाँ पे, कोई एक दूसरा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को मैसेज डेटा कुछ ट्रांसमिट करना चाहता है, कुछ क्या करना चाहता है ट्रांसमिट करना चाहता है, अगर जो कुछ भी ट्रांसमिट करना चाहता है तो जिसके थ्रू जिस सोर्स के थ्रू वो डेटा वो इंफॉर्मेशन इस कंप्यूटर से इस मोबाइल फोन से दूसरे कंप्यूटर या दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर हो रहा है उस सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं मीडिया। तो मीडिया का मतलब सिंपल सा यहाँ पे होता है मीडिया इज द सोर्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन, मतलब पास करना कन्वे इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन को क्या करना पास करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस, दैट इज कॉल्ड मीडिया या फिर ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है भेजना सेंड करना पीहू, ट्रांसमिट का मतलब होता है भेजना, उसी का एक फॉर्म है यहाँ पे, ट्रांसमिट का मतलब होता है सेंड करना या इसे कहते हैं भेजना, तो भेजने का जो माध्यम होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, पता ऐसे समझ लो यार एक रास्ता जिसके थ्रू हम चीजों को भेजते हैं डेटा को उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक। अब आइए अब ध्यान दीजिएगा लाइक्स, जी जी पूनम, अब देखो अब एक चीज ध्यान दे, जैसे आप लोग बताइए हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कंप्यूटर की, टोटल बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, ठीक है। अब हमने कहा था कि कंप्यूटर में एक डेटा को दूसरे जगह भेजने के लिए ही हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते हैं, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने का जो तरीका होता है वो दरअसल किस किस थ्रू आप कनेक्ट करोगे कंप्यूटर को वही यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। तो ध्यान दो यहाँ पे ये वायर यहाँ से डेटा जाना, क्या जाना डेटा जाना, डेटा का मतलब आपका हेलो मैसेज, आप हेलो जब भेजते हो ये जो हेलो होता है ये इसके पास पहुंचाना है हमें यहाँ पे, क्या करना पहुंचाना है, उसे पहुंचाने के लिए जिस सोर्स की जरूरत पड़ती है वही हमारा ट्रांसमिशन मीडिया होगा। तो ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो आपका डेटा होता है, ये आपका जो डेटा होता है वो सिग्नल के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है सिग्नल के फॉर्म में होता है, मतलब डेटा जो ट्रेवल करता है एक जगह वॉइस नहीं आ रही, क्या हो यार
यार देखो सुनो, वहां का नेटवर्क सही है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन, स्क्रीन एंड वॉइस। ओके आर नॉट? ओके चलिए चलिए देख लीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ, चलो मैं फिर समझा दे रहा हूँ इस चीज को, डोंट वरी। ओके प्रॉब्लम क्या हो जा रही, चलो ठीक है। देखो यार मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक कंप्यूटर से आपको डेटा दूसरे कंप्यूटर के पास भेजना है, ध्यान से सुनना, अगर आपको एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर के पास अगर क्या करना है, भेजना है, ठीक है सर? कुछ समझ नहीं है। ओके कोई बात नहीं, क्योंकि आज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे देख रहा हूँ। चलिए फिर से देखिएगा, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, ध्यान से सुनना। ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब होता है, इतना तो सभी को समझ आ गया कि ये चीज़ें, कि अगर आप कोई भी चीज़ कहीं पे भेज रहे हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो जिसके थ्रू, जिस सोर्स के थ्रू वो चीज वहां तक पहुंचती है जाते, उसे हम लोग मीडिया बोलते हैं। न्यूज में आप लोग देखते होंगे, न्यूज कहीं की न्यूज होती है हमारे पास पहुंच आती है, तो जो पहुंचाता है हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिया। क्या बोलते हैं? मीडिया, ठीक है। ये तो समझ रहे हो ना मीडिया का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ तक भेजने वाला। लेकिन हम कंप्यूटर की बात अब करेंगे यहाँ पे, कि हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कि एक कंप्यूटर से या एक फोन से हमारा जो डेटा है वो दूसरे कंप्यूटर तक जाके सेंड होगा, ठीक। तो किसके थ्रू जाएगा यहाँ पे, तो इसके लिए जैसे हमारा डेटा का मतलब क्या यहाँ पे हेलो है, डेटा मतलब क्या है यहाँ पे हेलो है, हेलो का मतलब डेटा का मतलब यहाँ पे हेलो, ठीक। ध्यान सुनो, अब ये जो हेलो है, ये जो हेलो है, कंप्यूटर में जितने भी डेटा हैं सारे के सारे डेटा जब एक जगह से दूसरी जगह, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास जाते हैं, तो आपको ये चीज पढ़ाई ही होगी फंडामेंटल में भी, कि सिग्नल के फॉर्म में जाते हैं। किस फॉर्म में जाते हैं? सिग्नल के फॉर्म में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग जानते हो सीपीयू, आप सभी जानते हो सीपीयू क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, सभी को पता है, थोड़ा थोड़ा सभी को पता होगा सीपीयू क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, ये सभी को पता होगा। जैसे आप लोग बोलते होंगे सर हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू उस पर काम करता है, रिजल्ट को मेमोरी में रखता है, या कहीं आउटपुट डिवाइस होती है उस पे क्या करता है, मॉनिटर पे डिस्प्ले करा देता है। मतलब ये जो डेटा कीबोर्ड से प्रेस किया, मेमोरी में गया, फिर मॉनिटर पे दिखा, ये जो एक वायर लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं यहाँ पे, वायर लगे होते हैं, जो भी कुछ लगा होता है। अब यहाँ पे डेटा जब जाता है, जो ट्रेवल करता है, वो सिग्नल के फॉर्म में क्या करता है, ट्रेवल करता है, ठीक। तो जो आपका जो ये हेलो है, ये एक डेटा है, क्या है, डेटा है, इसे हम डेटा बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। आपके पूरे के पूरा एक पेज है, ये पेज है, इस पे कुछ लिखा गया है, ये आपका डेटा हो गया, ये आपकी इंफॉर्मेशन होगी, क्या हो गई, इंफॉर्मेशन होगी। अब जब इस इंफॉर्मेशन को आपको एक जगह से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास भेजना पड़ता है, तो हम ये कह रहे हैं कि आपका डेटा जो ट्रेवल करता है, आपका डेटा जो ट्रेवल करता है वो सिग्नल के फॉर्म में क्या करता है, ट्रेवल करता है। अभी एक चीज आप इस चीज को यहाँ पे माइंड में रख के चलो, कि आपका डेटा एक प्लेस से जब दूसरे प्लेस जाता है तो किस फॉर्म में जाता है, सिग्नल के फॉर्म में जाता है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? आपका डेटा अभी हो सकता है कुछ लोगों के साथ, अगर फंडामेंटल क्लास आप नहीं किए हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी मैं मेरी तरफ से अभी मान लो, चलो आगे मैं ये भी क्लियर कर दूंगा, बट अभी मान लो थोड़ी देर के लिए कि डेटा जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है तो सिग्नल के फॉर्म में जाता है। सिग्नल का मतलब यही होता है ना, कोई भी चीज, जैसे हम कोई आपके पास ये, आप कहते हो यार सिग्नल है, ठीक है, अगर यार ना नेटवर्क है, सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, वही सिग्नल, आपका डेटा जो ट्रेवल करता है वो सिग्नल के फॉर्म में क्या करता है, ट्रेवल करता है ना। हाँ मैं रिपीट कर दूंगा उस चीज, उसकी प्रॉब्लम वहां पे नहीं, मैं रिपीट सारी चीजें कर दूंगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन
यहाँ पे जो डेटा है वो सिग्नल के फॉर्म में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। चलो मैं आपसे बोलता हूँ, मैं आपसे क्या बोलता हूँ ऐसे कि ये जो देखो लाइट है ना, लाइट है, लाइट का मतलब एनर्जी है, लाइट का मतलब क्या है, एनर्जी है। अब कोई लाइट है या कोई एनर्जी है कहीं पर रखी हुई है, अब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाती है तो वो भी सिग्नल के फॉर्म में जाती है। किस फॉर्म में जाती है, सिग्नल के फॉर्म में क्या करती है, ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ती है। वही समझ लो आप, यहाँ पे आपके एक कंप्यूटर का डेटा जब दूसरे कंप्यूटर में जाता है तो सिग्नल के फॉर्म में जाता है, हाँ रेडियो ट्रांसमिशन कुछ भी आप ले लो वहां पे, ये फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये लाइन इतनी क्लियर हुई कि नहीं बताओ आप, ये लाइन क्लियर हुई कि डेटा सिग्नल के फॉर्म में जाता है, उसके अंदर मत जाना भी, अंदर बिल्कुल मत जाना सर, कैसे सिग्नल बनता है ये मत सोचना, ये सोच लिया तो सब मामला खराब हो जाएगा यहाँ पे। अभी ना अभी वो सोचने की कैपेसिटी हमारी नहीं, मतलब आपकी नहीं। ठीक, अभी सर हम कीबोर्ड से टू प्रेस किए तो सिग्नल में कैसे कन्वर्ट हो गया, हेलो प्रेस किए तो सिग्नल में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये मत सोचना। अगर ये सोच लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाइनरी जब पढ़ लेना पूरा का पूरा, बाइनरी जिस दिन भी पढ़ लेना, दीक्षा मामा को पढ़ा रही है तो मुझसे मिलना, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप जब कोई चीज प्रेस करते हो तो सिग्नल बनता कैसे है ना, वो चीजें आगे की हैं। थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी तो बहुत बेटर होगा वो चीज समझना। तो ये चीज मान के चलो डेटा जाएगा सिग्नल के फॉर्म में जाएगा। ठीक है चलो, ठीक है फिर बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने नम बाइनरी पढ़ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आसानी से समझ सकते उस चीज को। ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। तो अब आइए देखिए, अच्छा यहाँ पे जैसे मैं सिग्नल ये होता है आपको, ये देखो ये सिग्नल है, ये डिजिटल सिग्नल है, ये डिजिटल सिग्नल है, समझ रहे हो कि नहीं, ये सामने आया कभी किसी के, नहीं ये डिजिटल सिग्नल है। देखो इसे बोलते हैं वन, क्या बोलते हैं वन, मतलब अगर ऊपर की तरफ है ऐसे है तो वन है, मैं अलग अलग भी फिर बना के दिखा दे रहा हूँ। ये अगर ऊपर की तरफ है ऐसे तो वन माना जाता है, नीचे की तरफ वाले को जीरो माना जाता है, ऊपर फिर आ गया फिर वन आ गया, फिर जीरो आ गया, फिर वन आ गया, फिर जीरो आ गया। ठीक है, ये जीरो है, समझ रहे हो, इसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल। अगर कोई ऐसा सिग्नल जिसकी वैल्यू 0101 के फॉर्म में होती है उसे हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू हो इस टाइप से दिख रहा हो ऐसे ऐसे, जैसे पढ़ते साइन कॉस वेव पढ़ा था कि नहीं फिजिक्स में आपने, इस तरीके से कुछ अगर होता है बार बार बदलता रहता है, इसकी कई सारी वैल्यूज होती हैं, इसे हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल। और हमारा कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर, वो डिजिटल सिग्नल पे ही काम करता है, मतलब 0-1 पे ही काम करता है। आपको ये भी बताया गया होगा कि हमारा कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे ही काम करता है, क्योंकि बाइनरी सिस्टम के थ्रू ही हम डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो एनालॉग सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल है और ये डिजिटल सिग्नल है। और कंप्यूटर में कौन सा सिग्नल होता है, यहाँ पे डिजिटल सिग्नल ही होता है, एनालॉग का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं हमारा जो कंप्यूटर था 0-1 पे ही काम करता है। अब ये डेटा का सिग्नल में कन्वर्ट हो कैसे होता है, क्या होता है, ये डिस्कशन कर लेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे एनालॉग तो अभी मैं बोल रहा हूँ, आप बताओ कौन पूछा है, पूनम या किसने पूछा क्वेश्चन, पूनम। देखो अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कभी ज्यादा है कहीं कम है, कहीं ज्यादा ऐसा तो है ना, इक्वल है ऐसा तो है नहीं, कहीं ज्यादा कहीं कम है। ठीक है, कभी मैं तेज बोल रहा हूँ कभी स्लो बोल रहा हूँ, कभी तेज बोल रहा हूँ कभी स्लो बोल रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो बार बार क्या हो रही है, वैरी कर रही है, तो ये क्या हो गया आपका, ये एनालॉग हो गया। अगर मैं बोलता अल्टरनेटिंग करंट वगैरह जानते हो ना, एसी अल्टरनेटिंग करंट, डीसी डायरेक्ट करंट, तो एक डायरेक्ट होता है फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहती है बराबर रहती है, एक होता है बार बार फ्लक्चुएट करती रहती है, कुछ ऐसा भी समझ लो यहाँ पे आप, जिस भी तरीके से आप समझना चाहो यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज है, अगर सॉरी है टाइम थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, फिनिश हो गया, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट फिर से करता हूँ यहाँ पे। मीडिया क्या होता है, थोड़ा डेटा को कन्वर्ट करना सिखा दूंगा, फिर मीडिया के ऊपर आऊंगा यहाँ पे। ठीक है, कि मीडिया की जरूरत हमें क्यों है। ठीक, ओके, तो चलिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।